योगी सरकार लिफ्ट हादसों पर सख्त हो गई है। लिफ्ट की घटनाओं पर कठोर कानून की तैयारी हो रही है। हादसे पर 1,00,000 का जुर्माना या 3 महीने जेल हो सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं लगा पाएंगे लिफ्ट। विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी निजी इमारतों के लिए कड़े प्रावधान तय किए जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने तैयार किया है कानून का मसौदा। घरेलू लिफ्ट के अलावा दूसरे लिफ्ट में ऑपरेटर होगा, प्रशिक्षित ऑपरेटर अनिवार्य होगा। नए लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगानी होगी। नए लिफ्ट लगने के बाद सुरक्षा ऑडिट होगा। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी कराएगी थर्ड पार्टी बीमा। नए कानून को कैबिनेट से जल्दी मंजूरी मिल सकती है। शीतकालीन सत्र में कानून का मसौदा पेश हो सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ये वो राज्य हैं जहां पर ये कानून पहले से लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की कई बार ऐसी घटनाएं नोएडा से गाजियाबाद से सामने आ चुकी है, जहां कई बार बच्चे लिफ्ट में फंस जाते हैं, कई बार लिफ्ट गिर जाती है। ये हाल ही की अभी तस्वीर भी सामने आई थी, ये छोटी सी बच्ची जो स्कूल से आई थी और ये लिफ्ट के अंदर पूरी तरह रो रो कर गुहार लगा रही थी, बच्ची मदद के लिए, पापा बचा लो। उस वक्त ये बच्ची देखिए लिफ्ट में फंस गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं गाजियाबाद से, नोएडा से, चूंकि यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज होती हैं। और अभी आप ये भी जरा तस्वीर देखिए, ये लेडी अपने बच्चे के साथ लिफ्ट में मौजूद है और ये भी लिफ्ट के अंदर फंस जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी तस्वीर गाजियाबाद, नोएडा से सामने आ चुकी है। और अब इन सभी हादसों से सबक लेते हुए एक सख्त कानून बनाने की तैयारी चल रही है। अब ये तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये लिफ्ट यहाँ पर फंस गई है और बड़ी मुश्किल से इस बच्ची को इसकी मां ने लिफ्ट से बाहर निकाला। कई बार बुजुर्ग महिलाएं फंस जाती हैं, तो ऐसे में इन हादसों को देखते हुए अब एक सख्त कानून बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। विशाल, आप एक के बाद एक कई सारी तस्वीर दर्शकों ने देखी जो नोएडा से, गाजियाबाद से, हाई राइज सोसाइटी से सामने आती रहती हैं लिफ्ट हादसों को लेकर। सीएम सख्त हो गए हैं, कानून बनाने की तैयारी चल रही है, मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं इसके अंदर जो अनिवार्य हो सकती हैं? विशाल देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अब ये कहा जा रहा है कि लिफ्ट एक्ट की मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। इसको लेकर अब नए नियम जो है वो बनाए जा सकते हैं और एक बार कैबिनेट की बैठक में भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले इसको लाया जा सकता है और विधानसभा में इसको पास भी कराया जा सकता है। क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में अब इसमें जो एक नया मसौदा जो चलाया गया, बनाया जा रहा है, उसमें ये भी तय किया गया है कि लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे में 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो घरेलू लिफ्ट को छोड़कर अन्य सभी लिफ्ट में जो ट्रेनिंग ऑपरेटर होंगे उनको रखा जाएगा, ये अनिवार्यता रखी जाएगी। इसके साथ साथ नई लगने वाली लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस के साथ ही उसको लगाया जाएगा। तो इसके लिए लिफ्ट लगाने वाली संस्था को अपना थर्ड पार्टी बीमा भी कराना होगा। और चूंकि अगर हम अभी तक बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई भी एक्ट लागू नहीं है, लेकिन जो NBC 2016 के अनुसार 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए 8 यात्रियों वाली लिफ्ट जो अपने आप ऑटोमेटिक दरवाजे वाली होती है, उनको 60 सेकंड में सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए और उसमें फायर सेफ्टी भी होनी चाहिए, इस तरह का अनिवार्यता रही है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में चूंकि यूपी एक्ट लागू नहीं है, इससे पहले जो ग्रेन की, विशाल ये एक्ट लागू होना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बिल्डर्स भी इन हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं और शायद अगर कोई कानून बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इन लोगों के अंदर एक डर का माहौल होगा और अगर कड़े प्रावधान इसमें तय किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन हादसों में भी कमी आएगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जुर्माने के साथ साथ जब जेल तक की प्रावधान की जो सीमा है वो तय की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकारी और निजी इमारतों में जिस तरह से लिफ्ट मेंटेनेंस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं उनमें भी जो है काफी कमी आएगी। इसके साथ साथ लिफ्ट लगाने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, क्योंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लिफ्ट एक्ट में इस बार की जाएंगी। ठीक है, तो विशाल ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि देखिए जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रहती है, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, हम नोएडा की हम बात करें, तो इन हादसों को लेकर बिल्डर्स सबक नहीं ले रहे हैं। अब अगर ये कठोर कानून बनाया जाता है तो ऐसे में इन हादसों में कमी जरूर आएगी। तो लिफ्ट हादसे को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है और इसमें कई सारे प्रावधान भी रखे जाएंगे।